भाई लेट्स गो। एक बुरी खबर है। क्या आखिर में आके हटो दुनिया से वाला। पेट्रोल बचा रहे थे, ये देखिए इनकी हालत देखिए आप। ये तो हमारे साथ प्रैंक हो गया है। ओके अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक है? आज हम लोग सस्ता और टिकाऊ का नया व्लॉग शूट करने जा रहे हैं और मैं आपको तरीके बताऊंगा कि आपने सस्ता और टिकाऊ खाना कैसे खाना है और वहाँ पे सस्ते तरीके से कैसे पहुँचना है। टिप, जीप पे नहीं जाना है, इसका डीजल बहुत महंगा है। उसके बाद आपके पास कोई गाड़ी खड़ी है इस पे भी नहीं जाना है। आप अपने बुलाएं दोस्त को जिसके पास 70 है। ये रहे आज हमें बॉस फ्री में चक्कर देंगे। अब हम लोग अपनी राह पे चलते हैं और अपने दोस्तों से मिलते हैं। हमारे दोस्त हमारा इंतजार कर रहे हैं, वो भी बाइक पे होंगे। जयंत भाई लेट्स गो। एक बुरी खबर है। क्या? उनकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है। उनकी बाइक में भी पेट्रोल खत्म हो गया है। ओ माय गॉड। तो भाई पीछे नहीं लगना। हाँ, उनकी बाइक में भी पेट्रोल खत्म हो गया। अब और मजा आएगा। ये तो सस्ता टिकाऊ का हमारा मजेदार सेशन चलने वाला है। उनके पास जाते हैं, वो रास्ते में खड़े मेरे भाई। चलिए भाई, ये खड़े ये हमारे दोस्त। आपका पेट्रोल खत्म हो गया? आपके साथ नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई सीन कुछ ऐसा है। सीन कुछ ऐसा है। अबे जल्दी बोल। क्या हम इनको टो करेंगे, टांग से टो करेंगे ताकि पैसे बचे। ये देखिए भाई, ये देखिए भाई गाड़ी चल पड़ी। एक नए कच्चे हैं थोड़े से। ऐसा हो इसके बाद इसको मिल्कशेक लाना पड़ जाए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भाई मुझे लग रहा है इनसे नहीं हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। कोशिश कर रहे हैं बेचारे। तो मैं आपको बता रहा था कि ये एक तरीका है। आ जाओ तुम भी आ जाओ। सही है चब्बर। तरीका ये है कि एक बाइक में पेट्रोल होना चाहिए और दूसरी बाइक में पेट्रोल नहीं होना चाहिए, तो आप उसको टो करके इजीली लेके जा सकते हैं। पर हमारा टो करने वाला जो है ना, वो थोड़ा सा कच्चा है अभी। अभी मैं आपको टो करके दिखा था। पेट्रोल बचा रहे थे, ये देखिए इनकी हालत देखिए आप। ये तो हमारे साथ प्रैंक हो गया है भाई। ये प्रैंक किया इन्होंने हमारे साथ। ये क्या हुआ है? हमारा गामछा खुल गया। पहुंच जाएगी। चलो खैर, तो भाई ये आ गया है हमारा अल रोशन रेस्टोरेंट। अब हम यहाँ से खाना खाएंगे। मसला कुछ ऐसा हुआ है कि तवा कढ़ाई वाला ही नहीं है। ये देख खाली पड़ा है। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। जिसको कीमा पराठा खा रहा था उसको कीमा पराठा नहीं मिला। दुश्मन जल रहा है। मैं डाइट करूं। तुम लोग आखिर क्या हो जाए? तुम लोग मुझे क्यों नहीं पतला करना चाहते यार? क्योंकि हम ऑलरेडी स्मार्ट एंड यू नो बॉडी बिल्डर्स हैं, तो हम चाहते हैं कि वो भाई कोई पेट शेट नहीं है। आपने बॉडी नहीं देखी भाई की? कभी ऐसा भी बोल दिया करो कि मैं खिला रहा हूँ। मैं गरीब हूँ। क्यों डाइट पे? तो जाओ घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ, जाओ घर जाओ। खिलाओ ही नहीं भाई, हम खा लेंगे। पराठे से हमारे बट का पेट नहीं भरना है तो कुछ और मंगाना पड़ेगा। हाँ। बट के घर मैक एंड चीज बनी हुई है, वो भी खा लेते। क्या क्या बना है? मैक एंड चीज। ये क्या होता है? जाहिल। मैक एंड चीज क्या होता है? मैक्रोनी होती है। अच्छा यार, मैक एंड चीज ये बोलते हैं अमेरिकन। पागल हो अमेरिकन। मैंने तो कभी नहीं। भाई अब तुम ये वीडियो लगाना सही है, ये आप लगाइएगा। भाई कमेंट से बताइएगा मैक एंड चीज बोलते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना था। मैक्रोनी सुना था, विद चीज या अल्फ्रेडो पास्ता सुना है कभी। तो भाई ये इनका रूफटॉप है। अंडे वाला बर्गर मेन्यू उठा के बैठे। अंडे वाले बर्गर मेन्यू क्यों उठाया तुमने? जिनकी सैलरी आई हुई है। ये देखे हम रूफटॉप पे बैठ चुके हैं।
और अब फैसला होगा कि आएगा क्या बंद करो जिस पे उंगली आएगी वो कमाएगा। देखो अच्छा फिर पैसे ज्यादा हुए फिर कौन देगा? एडिट कर देंगे। चलो मैं कर रहा हूं ऐसे तवा कढ़ाई या कुछ कढ़ाई शढ़ाई मंगवाते हैं। तवा नहीं है भाई तवा को सस्ते में है। ये देखो जिंगर बर्गर मंगवा ले चिकन चाउमीन यार कुछ ऐसा हो। देखो हमने दिखाना है सस्ता और टिकाऊ लोगों का। हमने जो प्लान बनाया था वो तो हो नहीं पाया ठीक है क्योंकि बंदा ही चला गया। अब बची है बात कि हम मंगवाएं क्या। बोल रहा हूं वैसे कर लो ना यार कैसे मैं ऐसे करूंगा नहीं। अरे महंगा आ गया फिर क्या करेंगे तुमने एडिट कर देंगे तुमने यार गंदे हो यार सोच रहे हैं अभी समझ नहीं आ रहा है। वैसे कम पड़े अरे हां घर से ले आएगा ये भटका घर करीब ही है। बट एड्रेस बता दे ताकि भाई मैं बता दूं। अच्छा आपको चावल चाहिए तो ये आपको दे देंगे। मैं इनका नंबर ना डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अंडा कढ़ाई ये सस्ते और मिलावट वाले चावल देते नाम नहीं बोलना अंडा आपको हर किसी की मिलावट मिलेगी चावल के अंदर मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। कैसे कम लेते हैं और अच्छे चावल भी देते हैं मजाक कर बट की कंपनी बहुत अच्छी है। बट ने बहुत सारे चावल बेचे। तुमने अभी वो नया कॉन्ट्रैक्ट ही पकड़ा था और कितने की सेल करते हैं मैं ये भी आपको बता देता हूँ जो लोग देख रहे हैं। माशाल्लाह से बस अल्लाह का गुजारा हो जाता है। दो रोटी खाने आ जाते हैं हम। ये देखो दो दो रोटी झूठे यार बस मैं कहना नहीं चाहता। लाइट खाने या हार्ड खाने पहले बताओ। लाइट सा भूसी टुकड़े भूसी टुकड़े खा लो तुम। डाइट पे हूँ तो मैं 100 भी दूंगा 100 रुपए हम चमाट मार के निकल पाएंगे। 1600 या 1700 रुपए का हमारा बजट होगा और हम चारों ने खाना खाना है मिलके। तो हमने 20 मायो गार्लिक मंगवाया 4 चिकन पराठा मंगवाया वाला। और कोल्ड ड्रिंक भी आएगी एप्पल सिट्रा। अरे यार मैं परेशान हो गया हूँ यार बड़ी भूख लग रही है और इन्होंने मुझे बजट में फंसा दिया है। अच्छा आपको मैं बताता हूँ 1000-1500 रुपए का बजट हमारे पास हुआ कैसे। इस वक्त दे रहे 1000 रुपए सरमत माशाल्लाह। ये देगा 200 रुपए 250 रुपए ये देगा 100 रुपए और मैं भी कोई 400-500 दूंगा कम पड़े तो कहीं से इजी पैसा कर दूंगा। तो देखते हैं क्या होता है। और 4 रोल मंगा लो बस। एक चिकन पराठा कर देना ठीक है सही है। एक बारबेक्यू सैंडविच 4 बट तुम पेट की सुन रहे हो नहीं ना 4 बी बिहारी मायो रोल ठीक है 2 चपाती 2 पराठे 2 पराठे लड़के अच्छा होना चाहिए व्लॉग बन रहा है ठीक है बेफिक्र हो ओके भाई अब बोल दिया लड़के को अब देखते हैं खाना कैसा आता है। खाना आ गया हमारा भाई ले आए माशाल्लाह। ये देखो भूखे ये भूखों की शक्लें देख लो खाने के बाद देखना है। क्या बात है लड़को क्या बात है क्या बात है अमेजिंग कितना अमेजिंग लग रहा है। चपाती रोल हो गए ये चपाती रोल आ गए हमारे 2 ये पराठे में रोल आ गए माशाल्लाह। ओए होए 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 मजा आ गया भाई। और ये आ गया हमारा सैंडविच बहुत मजेदार सीन होने वाला है। सबसे पहले तो आप देखेंगे पराठा ओके अच्छा लग रहा है आपको अच्छा लग रहा होगा ये बहुत अच्छा है खा के देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैं डाइट पे हूँ मगर यार तुम कोर्स में खा गए। मैं डाइट पे हूँ इसलिए खा रहा हूँ। वाओ पराठा वहाँ की बहुत अच्छा बट पराठा अच्छा है तुम्हारी रिकमेंडेशन अच्छी थी। पराठा इज रियली गुड यार बहुत मजेदार पराठा है। कोल्ड स्टोर डाल के खाते हैं मजेदार बहुत मजेदार। 300 रुपए का तो भाई कुछ भी नहीं है पैसे पूरे 300 रुपए में मजा आ गया। ये भी देखें यार आते हैं ना और कुछ तो मैं इस तरह खाने लगूंगा तुम लोग कम पड़ जाएगा यार आप टेंशन नहीं लें यार आप मंगवाएं माशाल्लाह। अच्छा बहुत टाइम बाद दोस्तों वाला व्लॉग हो रहा है वरना छप्पर सेलिब्रिटीज में घूम रहा होता है अक्सर होगा। बड़े तो हैं भाई बड़े लोग हैं बड़े लोग हैं। कैसा लगा आपको ना देखते हाँ मैं देखता हूँ उसके भाई है ना यार हमारे व्लॉग नहीं देखेगा कैसा लग रहा आपको यार ये बहुत अच्छा टेस्ट है सच बता रहा हूँ भाई। ये किसने रेकमेंड किया था बट
यार बट आप बीच में आ जाओ, बट आपकी रिकमेंडेशन बहुत अच्छी है, बन जाएगी और अगर सही है बेटा खा, ये थोड़ी जगह भी हो जाएगी ना, आप ये देखें बट दिखाना जरा इन लोगों को, दूसरी दूसरी मतलब आप दिखाते हैं, देखें तो सही यार, ये इतना मजे का है कसम से, मेरा दिल खुश हो गया यार। अच्छा मैं इसके व्लॉग देख रहा होता हूँ ना, पता है क्या मैं लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये जिस तरह से खाते हैं ना मजे में, आपका अपना भी खाना जो होगा ना वो हजम हो जाएगा इसको देखने से। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा दोस्त है मेरा बचपन से, भाई भाई आप दूसरा कर लें जल्दी से, बट खाना छोड़ के आपसे मैं बट से क्या काम कर रहा हूँ, बट की मोहब्बत देख रहे हैं मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लेट्स चेक मुझे फुल है। अच्छा मैं मायो गार्लिक कम डाले यार लड़के ने, कुछ लोगों को होता है सही खा लेते हैं, ये बहुत जबरदस्त था, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे आए और ये चीजें खाएं, कढ़ाई वढ़ाई सब खाते हैं, आज थोड़ा सस्ते में हमने एंजॉय कर लिया जबरदस्त। अब बारी आई है कि मैं आपको बताऊं कि हमें ये पड़े कितने के सारा खाना, तो आपके सामने ये देखे यार आया, चलो मिल लेंगे जो भी होगा। बारबेक्यू सैंडविच था 470 रुपए का, बीफ चटनी रोल 240 रुपए की, चिकन पराठा 300 रुपए का, मिल्टी 80 रुपए की एक, और सॉफ्ट ड्रिंक एक मंगवाई थी हमने जो कि थी 110 रुपए की, विच मीन्स के पांच लोगों ने 2240 रुपए में खाना खाया है, इंग्लिश में 2240 रुपीस का हमने खाना खाया है, चाय बहुत महंगी थी बाकी सब मुनासिब था, एंड खाना भी अच्छा था, सिर्फ मसला ये हुआ हमारे साथ प्रैंक ये हुआ है कि हमने बोला था बीफ मायो गार्लिक और भाई ने दिया हमें चटनी रोल, इसलिए हमें मज़ा नहीं आया, बाकी एवरीथिंग वाज गुड। अब देखते हैं आगे का क्या रद्दअमल बनता है हमारा, तो चाय अच्छी थी, चाय बहुत अच्छी थी भाइयों, तो चाय भी यहीं से ही पी लें अगर आपको पीनी हो तो, बाकी और भी अपडेट्स देता हूँ। इसने एक रुपया नहीं दिया, मैं तो डायरेक्ट इसने दिए पैसे, सबसे ज्यादा बट ने दिए, ऑडियंस से मैं बात करना चाहता हूँ, इस आदमी को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। आप देखिएगा अगले व्लॉग में यही हमें ही सुना रहे होंगे कि हम खिलाते नहीं, आप ऑडियंस से बात करनी है, मैं डाइट पे हूँ, मैंने चखा है। सरमद भाई अब क्या कहना चाहेंगे खाने के बारे में? यार खाना 8 out of 10, 8 out of 10। जिनेश भाई आप 7। समझ भाई मन के खा रहे थे, समझ भाई जल्दी बताएं, खाया नहीं मैं क्या बताऊं, बेशरम आदमी एक नंबर के, अब क्या बोले। खैर मेरी नजर में इट वाज 8 out of 10 बिकॉज ऑफ द सैंडविच, अगर दो चीजें और अच्छी होती ना ज्यादा, मतलब पराठा अच्छा था और वो रोल ने हमारा दिल तोड़ दिया बस, बाकी खाना अच्छा था। चलो भाइयों अब हम घर आ चुके हैं, मेरे सारे दोस्त मेरे घर पे आ चुके हैं, अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, कोई सवाल हो कमेंट्स में बताएं, और कोशिश किया करें कि ऐसे कमेंट किया करें जिसका कोई अच्छा जवाब भी बनता हो, और खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अंता हबीबी, वॉट एवर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, खुदा हाफिज़।